हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक्नोलॉजी। मैं हितेश वधवा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में एडिटिंग ग्रुप के बारे में। एडिटिंग ग्रुप का सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है आप क्या खोजना चाहते हो, आप जो भी खोजना चाहते हो आप इसके अंदर फाइंड में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर ओपन किया फाइंड ग्रुप, जिसके अंदर हमें नेम मिला नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है कि आपको हेडिंग्स, पेज, रिजल्ट सभी यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। आप यहाँ पर अगर टाइप करते हो वीडियो, जितने भी हमारे पास वीडियो वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर हाईलाइट होकर शो हो जाएंगे। जब हम वर्ड में फाइंड करते हैं तो हमारे पास नेविगेशन ग्रुप ओपन होता है, जिसमें हमें हेडिंग, पेज, रिजल्ट ये सभी ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाते हैं, ताकि हमें वर्किंग करने में और ज़्यादा आसानी हो। आप देख सकते हैं कितनी हेडिंग्स में हमारे पास ये आया है, कितने पेजेस पे आपके पास है। यहाँ आप डाउन पे ऐसे चेक करके पूरे में देख सकते हैं और टोटल आपके पास कितने रिजल्ट्स हैं और कहाँ कहाँ वो रिजल्ट्स आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहें तो आप फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ से क्लोज कीजिए। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास फाइंड के मोर ऑप्शन में जाने के बाद आया एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड का मतलब होता है आप जो फाइंड कर रहे हो आप उसके साथ साथ एडवांस चीजें भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लेस कीजिए, आपको सिंपल सा एक एरिया दिखाई देगा, जैसे कि फाइंड आपने किसको करना है, हमने कहा वीडियो को, लेकिन फाइंड हाईलाइट भी करना है तो आप यहाँ से हाईलाइट रखिए। जो भी आप यहाँ से सर्च करोगे वो आपको हाईलाइट होगा। लेकिन इतना ही नहीं, आपको वो मेन डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन के रूप में भी दिखाई देगा। आप ऐसे फाइंड नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा इसको सिलेक्ट करने का मेन बेनिफिट क्या हुआ, आपका हाईलाइट तो हुआ लेकिन आपका सिलेक्शन भी बन गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं वो सिलेक्टेड एरिया ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कोई कलर करना चाहते हैं तो आपका कलर डायरेक्ट उसी वर्ड पर अप्लाई हो जाएगा। ये हमारे फाइंड एडवांस के बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास फाइंड एडवांस के बाद आया गो टू। गो टू का मतलब होता है आप कहाँ जाना चाहते हैं, पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। इतना ही नहीं, आप डाउन पे जाइए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस एरिया पर जाना चाहते हैं, आप इसमें से कोई भी एरिया चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने कहा हमें जो है लाइन पर जाना है, कौन सी लाइन पर जाना है, मैंने यहाँ पर 5 टाइप किया और यहाँ पे क्या किया, गो टू पर क्लिक। अब आप क्लोज करके चेक कर सकते हैं, जो हमारा कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है 2 पर। अब हम चेक करते हैं कि 2 कौन सी लाइन हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। हम यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल बार को अप करेंगे और आप चेक कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हमारा प्रॉपर वर्किंग में होगा, जो भी आपकी लाइन होगी जहाँ भी होगी ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है बदलना। जो आप सर्च करेंगे, जैसे हमने वीडियो सर्च किया लेकिन हमें रिप्लेस करना है ऑडियो में, आप यहां से रिप्लेस करके डायरेक्ट देख सकते हैं, ऑल डन, वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट। अब ये तो था हमारा माउस यूजिंग, हमने जो भी वर्क किया अभी तक माउस के द्वारा किया। अब हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे आप कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फाइंड के लिए हमारी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल एफ, हमारा वही नेविगेशन ऑन होगा, आपने लिखा इसके अंदर ए। अब हमारे पास जितने भी ए हैं वो सभी आपको हाईलाइट होकर शो हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो 78 है। ऐसे ही आप नेक्स्ट करना चाहें रिप्लेस, कंट्रोल एच, तो आप रिप्लेस किसे करना चाहते हैं, जो आप फाइंड करेंगे अल्फा में रिप्लेस करना है तो यहाँ पे आप अल्फा टाइप कीजिए। इतना ही नहीं, आप मोर पर जाइए, आप ए अगर कैपिटल लिख रहे हैं मैच केस, आप कैपिटल पर जा सकते हैं। फाइंड होल वर्ड का मतलब होता है अगर आपने ए लिखा है तो ए के साथ में कोई और वर्ड है तो ये उसे सिलेक्ट नहीं करेगा। ऐसे करके आप वाइल्ड कार्ड, साउंड लाइक, फाइंड ऑल वर्ड्स, मतलब जो ऑप्शन भी ट्राई करना चाहें यहाँ से वन बाय वन वो ऑप्शन ट्राई करके साथ में देख सकते हैं। अगर आप लेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही सिंपल ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, आपके जितने भी रिप्लेसमेंट हैं आपको यहाँ पर टोटल की टोटल ओल्ड अर्न वी मेड 78 रिप्लेसमेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल एफ, यहाँ पे आपको टाइप करना है ए एल पी एच ए, एल्फा। अब आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे जो ए थे वो एल्फा में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। थर्ड है गो टू। गो टू के हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल जी। आप यहाँ से फिर पेज पर जाना चाहें
लाइन पर जाना चाहें, सपोज करो हमें फर्स्ट लाइन पर जाना है, आप ऐसे गोटू की हेल्प से डायरेक्ट जा सकते हैं। आप क्लोज करके यहाँ से चेक कीजिए, जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो है फर्स्ट लाइन पर, क्योंकि हमने गोटू में फर्स्ट लाइन को यहाँ पर चूज किया था। नेक्स्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है आपका कंप्लीट एरिया एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए करोगे आपका एरिया सिलेक्ट आपको होता कंप्लीट दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब आप कोई शेप लेकर आते हैं तो उसको सिलेक्ट करेगा, आपका मैटर यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक शेप इंसर्ट की, जो कि आप कोई भी शेप ले सकते हैं जो आपको पसंद आए, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ से अप एरिया से इसको नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारा मैटर सिलेक्ट होगा। लेकिन जब आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, चाहे आप मैटर को सिलेक्ट करो किसी को करो, ये ऑटोमेटिक आपकी शेप को बिहाइंड से उठाकर डायरेक्ट शो कर देगा। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है आप कोई शेप, आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो आपका ऑप्शन डायरेक्ट उस पर वर्क करेगा। अगर अब आप डिलीट बटन भी प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि बिहाइंड में हमारा माउस डायरेक्ट वर्किंग नहीं करता, इसलिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। इसका मतलब होता है जिसकी फॉर्मेटिंग सेम हो सिर्फ उसे ही सिलेक्ट करके बताएगा, इसमें डाटा सिलेक्ट नहीं होगा। तो आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं और हम किसी की भी फॉर्मेटिंग यहाँ से उठा लेंगे, तो सबसे पहले आप एस्केप कीजिए, आप जो फॉर्मेटिंग आपको पसंद आई है आप उस पर क्लिक कीजिए, उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे, जिस एरिया पर आपको चाहिए आप यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं इस फॉर्मेटिंग में जो भी वर्ड है वो सभी हाईलाइट हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाने के बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो भी हमारी फॉर्मेटिंग सेम है, इस कलर में है, इस साइज में है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सिलेक्ट ग्रुप का जो लास्ट ऑप्शन है वो है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन का यूज क्या होता है, जब भी हम कोई शेप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो आपको उनके नेम बताएगा, इंसर्ट में जाने के बाद हम कोई भी शेप ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल का यूज किया, अब आपको यहाँ पर नेम मेंशन होगा रेक्टेंगल। अगर आप आइज पे क्लिक करोगे तो रेक्टेंगल हाइड, माइनस पे क्लिक करोगे रेक्टेंगल यहाँ से आपको शो हो जाएगी। ऐसे हम हाइड और शो करके भी देख सकते हैं। ये था आज का हमारा एडिटिंग ग्रुप। अगर आपको एडिटिंग ग्रुप पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की नोटिफिकेशन को अपनी नोटिफिकेशन में पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।